हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे नॉवल्स और उसके फॉर्म्स के बारे में, मतलब नॉवल्स कितने रूपों में पाए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए नॉवल्स क्या होते हैं, नॉवल्स के रूप कितने होते हैं और उनके जो रूप होते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम आज उसी को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। पहले जान लेते हैं कि नॉवल होता क्या है। व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ नॉवल? एज अ डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इट इज़ एन इन्वेंटेड प्रोज नैरेटिव ऑफ कंसिडरेबल लेंथ एंड अ सर्टेन कॉम्प्लेक्सिटी दैट डील्स इमेजिनेटिवली विद ह्यूमन एक्सपीरियंस। मतलब ये जो नॉवल है वो एक ऐसी गद्य रचना है जिसमें कहानियों को मानवीय अनुभव के साथ कलात्मक रूप से संबंधित किया जाता है और ये काफ़ी लंबाई और एक निश्चित जटिलता की एक रचना है। और नॉवल को हिंदी में बोला जाता है उपन्यास। अगर आप आसान भाषा में नॉवल को समझना चाहते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी गद्य कथा होती है जिसमें वास्तविक जीवन से मिलते जुलते चरित्रों और उसके क्रियाकलापों का विस्तृत वर्णन किया जाता है। अगर आप किसी भी डेफिनेशन में कुछ टिपिकल वर्ड्स अगर देखते हैं तो आप उन वर्ड्स को नोट कीजिए और बाद में डिक्शनरी में उसको सर्च कीजिए और बाद में उसको याद कीजिए। इससे आपकी वोकेबुलरी भी इंक्रीज होगी। किसी भी नॉवल को हम उनके फॉर्म्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि पिकारेस्क्यू, एपिस्टलरी, नॉवल ऑफ मैनर्स जिसको हम सोशल नॉवल भी बोलते हैं, नेक्स्ट है गोथिक, साइंस फिक्शन, हिस्टोरिकल, सेंटिमेंटल, साइकोलॉजिकल और रीजनल। साइंस फिक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में साईफाई भी बोलते हैं। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है पिकारेस्क्यू। अगर आप अपने एग्जाम पेपर में लिखना चाहें पिकारेस्क्यू के फॉर्म्स के बारे में तो आप इन सभी पॉइंट्स को जो आप अपनी स्लाइड के ऊपर देख रहे हैं उनको आप नोट कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। जो मेन पॉइंट्स है वो बेसिकली यही है। सबसे पहला पॉइंट है इस वर्ड के ओरिजिन के बारे में। पिकारेस्क्यू जो वर्ड है वो एक स्पेनिश वर्ड से आया, पिकेरो, जिसका मतलब होता है रोग और रास्कल। रोग का मतलब होता है दुष्ट प्राणी या हम इसको ठग भी बोल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द पिकारेस्क्यू नॉवल इज अ जेनर ऑफ प्रोज फिक्शन। इस प्रकार की नॉवल में एक दुष्ट प्राणी द्वारा जितने भी कारनामे किए जाते हैं उसकी बुद्धिमत्ता के कारण उसको बताया जाता है। मतलब इस टाइप की नॉवल में किसी एक पर्सन के जीवन को स्टोरी के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट डिपिक्ट्स द एडवेंचर्स ऑफ अ रगेश बट अ अपीलिंग हीरो यूजुअली ऑफ लो सोशल क्लास हु लिव्स बाय हिज विट्स इन अ करप्ट सोसाइटी। मतलब यह है एक दुष्ट लेकिन आकर्षक नायक के कारनामों को दर्शाता है जो कि आमतौर पर निम्न सामाजिक वर्ग का होता है और एक भ्रष्ट समाज में अपनी बुद्धि से जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है पिकारेस्क्यू नॉवल्स टिपिकली अडॉप्ट अ रियलिस्टिक स्टाइल। मतलब इस टाइप के जो नॉवल्स होते हैं वो आमतौर पर यथार्थवादी शैली को अपनाते हैं। अगर आप इस टाइप के नॉवल्स को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो असलियत में है। नेक्स्ट पॉइंट है देर आर ऑफन सम एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी एंड सेटायर। ये थे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिकारेस्क्यू फॉर्म्स ऑफ नॉवल्स के बारे में। अगर आप चाहें तो इसके अलावा आप और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पिकारेस्क्यू नॉवल वॉज ओनली कॉइंड इन 1810, द पिकारेस्क्यू नॉवल ओरिजिनेटेड इन स्पेन ड्यूरिंग स्पेनिश गोल्डन एज इन 1554। मतलब पिकारेस्क्यू जो नॉवल है वो सबसे पहले यूज़ किया गया था वर्ड 1810 में और पिकारेस्क्यू नॉवल ओरिजिनेट हुआ था स्पेन में। और शुरू में जो मेन कंट्रीब्यूटर है इस टाइप के नॉवल्स के वो है मैटियो एलेमन एंड फ्रांसिस्को डे क्वेडो। और पिकारेस्क्यू टाइप्स ऑफ जो नॉवल्स हैं वो ज़्यादा प्रचलन में आए थे यूरोप में 200 साल से भी ज़्यादा तक। और इस टाइप के जो नॉवल है वो आज भी मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर को प्रभावित करते हैं और आज भी प्रचलन में हैं। पिकारेस्क्यू फॉर्म्स ऑफ नॉवल्स के आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसे कि एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन बाय मार्क ट्वेन एंड गुलिवर्स ट्रेवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट। और ये आज भी बहुत ज़्यादा फेमस नॉवल्स माने जाते हैं पिकारेस्क्यू फॉर्म में। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ नॉवल है एपिस्टलरी। सबसे पहला पॉइंट है इसके वर्ड ओरिजिन के बारे में कि जो एपिस्टलरी वर्ड है वो आया कहाँ से। एपिस्टलरी वर्ड ड्राइव किया गया है एक लेटिन वर्ड एपिस्टल से जिसका मतलब होता है लेटर। नेक्स्ट पॉइंट है एन एपिस्टलरी नॉवल इज अ नॉवल रिटन इन अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मतलब इस टाइप के जो नॉवल्स होते हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स को, रिटन डॉक्यूमेंट्स को एक सीरीज में रखा जाता है ताकि उनको स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके और उनका मतलब क्लियर हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ नॉवल्स इज लेटर्स, डायरी एंट्रीज, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। मतलब अगर आप इस टाइप के नॉवल्स को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस टाइप्स के नॉवल्स में लेटर्स, डायरी एंट्रीज, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स और अदर डॉक्यूमेंट्स को एक सीरीज़ में रखा जाता है ताकि उनकी क्लैरिटी हो सके, क्योंकि अगर उनको सीरीज़ में नहीं रखा गया तो उनका मीनिंग क्लियर नहीं हो सकेगा। क्योंकि जब भी आप डायरी एंट्री लिखते होंगे
तो आप देखते होंगे उसके ऊपर डेट और टाइमिंग भी लिखी होती है। वो डेट और टाइमिंग इसीलिए लिखी जाती है ताकि मीनिंग क्लियर हो सके और ये पता लग सके कि वो जो इवेंट है, सम पर्टिकुलर इवेंट जो कि उस डायरी में लिखा गया है, वो कौन से टाइम पे और कौन से दिन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स सच एज रिकॉर्डिंग्स एंड रेडियो, ब्लॉग्स एंड ईमेल्स हैव ऑल्सो कम इन यूज़। क्योंकि जिस टाइप से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस हिसाब से जो एपिस्टलरी फॉर्म ऑफ राइटिंग्स है उनका फॉर्म भी चेंज हो रहा है। क्योंकि इस टाइप्स के जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि रिकॉर्डिंग्स, रेडियो, ब्लॉग्स एंड ईमेल्स, इस टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित करना या स्टोर करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू रिटन फाइल डॉक्यूमेंट्स एंड न्यूज़पेपर लेटर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, द एपिस्टलरी फॉर्म कैन ऐड ग्रेटर रियलिज्म टू द स्टोरी बिकॉज इट मिमिक्स द वर्किंग्स ऑफ अ रियल लाइफ। क्योंकि इस टाइप्स के जो नॉवेल्स होते हैं उसमें वास्तविक जीवन की जो घटना हुई है वो असलियत में उसी समय पे लिखी जाती है और इसमें पेश की जाती है। तो ये थे एपिस्टलरी फॉर्म ऑफ नॉवेल्स के मेन पॉइंट्स। अगर आप और भी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे कि एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिवाइस इन द एपिस्टलरी नॉवल फॉर क्रिएटिंग द इम्प्रेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ द लेटर्स इज़ द फिक्शनल एडिटर। मतलब एपिस्टलरी नॉवल में लेटर्स की प्रामाणिकता के लिए फिक्शनल एडिटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एपिस्टलरी फॉर्म ऑफ जो नॉवल है उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है पामेला बाय सैमुअल रिचर्डसन। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ नॉवल है नॉवल ऑफ मैनर्स, जिसको हम सोशल नॉवल भी बोलते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि इस टाइप के जो नॉवेल्स होते हैं उसमें शिष्टाचार के बारे में बातें बताई जाती हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अ नॉवल ऑफ मैनर्स इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन दैट रिक्रिएट्स अ सोशल वर्ल्ड कन्वेइंग विद अ डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन द कस्टम्स, वैल्यूज एंड मोर्स ऑफ अ हाईली डेवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। इस पॉइंट का मतलब ये है कि एक शिष्टाचार का उपन्यास है और एक अत्यधिक विकसित और जटिल समाज के रीति रिवाजों, मूल्यों और रीति रिवाजों के विस्तृत अवलोकन के साथ, मतलब उसको ऑब्जर्वेशन के साथ एक सामाजिक दुनिया को फिर से बनाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द कन्वेंशंस ऑफ द सोसाइटी डोमिनेट द एक्शंस ऑफ द स्टोरी। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो समाज की परंपराएं होती है, जो कल्चर होता है समाज का, वो नोवेल की कहानी पर हावी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कैरेक्टर्स आर डिफरेंशिएटेड बाय डिग्री टू विच दे मीट टू फेल टू मीट द यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड और आइडियल ऑफ बिहेवियर। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो पात्र होते हैं इस टाइप के नॉवेल्स की कहानियों में, उन पात्रों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर मैनर्स इन द सोसाइटी, क्योंकि उन पात्रों के बिहेवियर्स और मैनर्स सेम नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय सोसाइटल कन्वेंशंस। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो इस टाइप्स के नॉवेल्स होते हैं वो सामाजिक सम्मेलनों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स है सोशल नॉवेल्स के बारे में। इस टाइप के नॉवेल्स आपको वैसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आप एग्जांपल आप लिख सकते हैं जोसेफ एंड्रयूज़ बाय हेनरी फील्डिंग एंड सेंस एंड सेंसिबिलिटी बाय जेन ऑस्टन। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ नॉवल है गोथिक नॉवल। सबसे पहला पॉइंट गोथिक वर्ड के ओरिजिन के बारे में है, जो कि है द वर्ड गोथिक कम्स फ्रॉम द जर्मन ट्राइब गोथ एंड इट मीन्स बिलोंगिंग टू द ट्राइब्स ऑफ गोथ्स। गोथिक शब्द जर्मन के एक ट्राइब गोथ से आया है, जिसका मतलब होता है गोथ जनजाति से संबंधित। गोथिक शब्द जर्मन ट्राइब गोथ से इसलिए लिया गया है क्योंकि गोथ ट्राइब के लोग सुपर नेचुरल पावर्स को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं। सुपर नेचुरल का मतलब बियॉन्ड द रीच ऑफ नेचर, सिंपल भाषा में आप बोल सकते हैं भूत। नेक्स्ट पॉइंट है, गोथिक फिक्शन समटाइम्स कॉल्ड गोथिक हॉरर इन द 20th सेंचुरी, इट इज़ अ जेनर ऑफ लिटरेचर एंड फिल्म दैट कवर्स हॉरर, डेथ एंड एट टाइम्स रोमांस। इस पॉइंट में ये बोला गया है कि गोथिक फिक्शन यानी गोथिक नॉवेल्स को कई कई बार गोथिक हॉरर भी कहा जाता था 20th सेंचुरी में, क्योंकि गोथिक फिक्शन यानी गोथिक नॉवल ऐसी स्टोरीज या ऐसी फिल्म को कवर करती थी जिसके अंदर हॉरर, डेथ और कई कई बार रोमांस भी होता था। अगर आप इस टाइप के नॉवेल्स को पढ़ेंगे तो आप उसके अंदर डरावनी चीज़ों का ज़्यादा विश्लेषण पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इनिशियली गोथिक नॉवल वॉज टिपिकल बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंज सुपर नेचुरल एटमोसफेयर। इस पॉइंट का मतलब ये है कि शुरुआत में जो गोथिक नॉवल्स थे उसमें सुपर नेचुरल एटमोसफेयर के कारण उसको थोड़ा टिपिकल समझा जाता था। सुपर नेचुरल एटमोसफेयर जैसे कि डरावनी साउंड, भूतों की आवाज़ आना आदि। नेक्स्ट पॉइंट है, मेन एलिमेंट्स ऑफ गोथिक नॉवल, जो कि है मिस्ट्री एंड फियर, सेटिंग इन कासल, ओमन्स एंड कर्सेस, रोमांस, विलन एंड नाइटमेयर्स। अगर आप किसी गोथिक नॉवल को पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इस टाइप के नॉवल का आप एग्जांपल देख सकते हैं अपनी स्लाइड पर। इस टाइप के नॉवल का एग्जांपल है वुथरिंग हाइट्स बाय एमिली ब्रोंट एंड द कासल ऑफ ओट्रांटो बाय होरेस वालपोल।
नेक्स्ट फॉर्म ऑफ नॉवल है साइंस फिक्शन, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं साईफाई। पहला पॉइंट है, साइंस फिक्शन ऑफन कॉल्ड साईफाई इज अ जेनर ऑफ फिक्शन लिटरेचर हुज कंटेंट इज इमेजिनेटिव बट बेस्ड इन साइंस। इस टाइप के जो नॉवल्स होते हैं उनका कंटेंट इमेजिनेटिव यानी काल्पनिक होता है बट साइंस पर आधारित होता है, और इस टाइप के नॉवल्स ज़्यादातर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को ज़्यादा पेश करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट रिलाइज हैवीली ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स एज सपोर्ट फॉर इट्स सेटिंग्स कैरेक्टर्स थीम्स एंड प्लॉट लाइंस विच इज़ व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम फैंटेसी। मतलब इस टाइप के जो नॉवल्स होते हैं उनकी सेटिंग्स कैरेक्टर्स थीम्स प्लॉट लाइंस ज़्यादातर निर्भर करते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स पे थ्योरीज पे। नेक्स्ट पॉइंट है, इट डील्स विद इमेजिनेटिव एंड फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स सच एज एडवांस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेस एक्सप्लोरेशन टाइम ट्रेवल पैरेलल यूनिवर्स एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी साइंस फिक्शन वाले नॉवल को पढ़ेंगे तो आप उसके अंदर फ्यूचर रिलेटेड टेक्नोलॉजी को ज़्यादा देखेंगे, जैसे कि टाइम ट्रेवल। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रेजेंट में हैं और पास्ट में जाना चाहते हैं तो पास्ट में भी जा सकते हैं, और फ्यूचर में जाना चाहते हैं तो फ्यूचर में भी जा सकते हैं अगर साइंस फिक्शन की बात करें तो। इसी टाइप के ये इमेजिनेटिव फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स को दर्शाते हैं साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड करके, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आइडियाज़ को पेश किया जाता है और वो आइडियाज़ साइंस की अगर बात करें तो फ्यूचर में पॉसिबल भी हो सकते हैं। इस टाइप के नॉवल्स को हम लिटरेचर ऑफ आइडियाज़ भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे कि फ्रैंकेनस्टीन बाय मैरी शेले एंड ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय एल्डर्स हक्सले। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ नॉवल है हिस्टोरिकल नॉवल। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा आपको कि इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों को बताया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका, हिस्टोरिकल फिक्शन इज़ अ लिटरेरी जेनर वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस इन द पास्ट। मतलब इस टाइप के नॉवल्स में ऐसी स्टोरीज होती है जो कि भूतकाल में घटी हुई हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैप्चर्स द डिटेल्स ऑफ द टाइम पीरियड एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल फॉर ऑथेंटिसिटी इंक्लूडिंग द सोशल नॉर्म्स मैनर्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। इस पॉइंट का मतलब ये है कि इस टाइप के जो नॉवल्स होते हैं वो सोसाइटी के मानदंडों सोशल नॉर्म्स और उनके कल्चर्स और इनके ट्रेडिशंस को सही तरीके से जांचते परखते हैं लिखने से पहले या दर्शाने से पहले, और उनका जो टाइमलाइन होता है उनको भी अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होता है ताकि उनकी ऑथेंटिसिटी बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके मेन फीचर्स कौन कौन से होते हैं, द कैरेक्टर्स कैन बी रियल फिक्शनल और बोथ। पहला जो इसका फीचर है वो ये है कि जो इनके कैरेक्टर्स होते हैं वो रियल भी हो सकते हैं काल्पनिक भी हो सकते हैं और दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है, सेटिंग शुड टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द ऑथेंटिक पीरियड इन द हिस्ट्री। सेटिंग का मतलब एक ऐसा स्थान और समय सीमा जिसमें एक कथा की कार्रवाई होती है, और हिस्टोरिकल नॉवल में ज़्यादातर ध्यान रखा जाता है मैनर्स का सोशल कंडीशंस का कल्चर का और सोसाइटी के ट्रेडिशन का हिस्ट्री में। एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे कि इवान हो बाय सर वॉल्टर स्कॉट एंड एज ऑफ एंगर बाय पंकज मिश्रा। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ नॉवल है सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल के नाम से स्पष्ट हो रहा होगा आपको कि ये इमोशन से जुड़ा हुआ नॉवल है। सेंटिमेंटल का मतलब होता है समथिंग दैट इज सेंटिमेंटल फील्स और शोज पिटी और लव। समथिंग दैट इज सेंटिमेंटल फील्स और शोज पिटी और लव, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो भावुक लगती हो या उसके अंदर दया या प्रेम का भाव होता हो तो उसको हम बोलेंगे सेंटिमेंटल। सबसे पहला पॉइंट है, द नॉवल दैट इज़ अबाउट द इमोशनल रिलेशनशिप्स एंड दैट टू मोस्टली अबाउट लव अमंग द टीनेजर्स एंड यंग्स। मतलब कि एक ऐसा नॉवल जिसके अंदर इमोशनल रिलेशनशिप्स हो जो कि टीनेजर्स और यंग में ज़्यादातर देखने को मिलती है। सेकंड पॉइंट है, दिस टाइप ऑफ नॉवल इज़ मोस्टली कन्फाइंड टू द पर्सनल फीलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड रिमेन्स रेस्ट्रिक्टेड टू होम एंड डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। दस सम स्कॉलर्स आर ऑल्सो कॉल्ड इट एज डोमेस्टिक नॉवल। इस पॉइंट का मतलब ये है कि इस प्रकार के जो नॉवल्स होते हैं उसमें व्यक्तियों की व्यक्तिगत भावनाओं या उनके घर तक और घरेलू वातावरण तक ही सीमित रहता है। जो उनके इमोशंस होते हैं जो भी उनकी व्यक्तिगत भावनाएं होती है वो सिर्फ घरेलू वातावरण तक ही सीमित रहती है, इसीलिए कुछ विद्वानों ने इसको डोमेस्टिक नॉवल भी बोला है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेंटिमेंटल नॉवल्स रिलाइड ऑन इमोशनल रिस्पॉन्स बोथ फ्रॉम देयर रीडर्स एंड देयर कैरेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि जो भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है वो डिपेंड करती है पढ़ने वाले के ऊपर और स्टोरी के पात्रों के ऊपर, और इस तरीके से वो संकट और कोमलता के दृश्य पेश करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द विकार ऑफ वेकफील्ड बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ नॉवल है साइकोलॉजिकल नॉवल्स। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा आपको
कि इस टाइप के जो नॉवेल्स होते हैं उसमें दिमाग के कंडीशन के बारे में, दिमाग के बारे में जानकारियाँ दी होती है ज़्यादातर। सबसे पहला पॉइंट है, साइकोलॉजिकल नॉवल इज़ अ नैरेटिव जनर दैट एम्फसाइजेज इंटीरियर कैरेक्टराइजेशन एंड मोटिवेशन टू एक्सप्लोर द स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड मेंटल लाइव्स ऑफ द कैरेक्टर्स। मतलब इस टाइप के नॉवल्स में जो स्टोरीज होती है और उसमें जो पात्र होते हैं उन पात्रों के आध्यात्मिक, भावात्मक और मानसिक जीवन का पता लगाने के लिए वो आंतरिक विशेषता और प्रेरणा पर जोर देती है, इसीलिए इनको साइकोलॉजिकल नॉवल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस टाइप ऑफ नॉवल ट्रेसेस द ह्यूमन थॉट प्रोसेस एंड ट्राइज टू राइट व्हाट गोज इनसाइड द माइंड ऑफ इट्स कैरेक्टर्स। इस प्रकार का नॉवल ये लिखने की कोशिश करता है कि उसके पात्रों और किसी पर्सन के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, द नॉवल ट्राइज टू प्रेजेंट द इनर रियलिटी। मतलब इस टाइप का जो नॉवल होता है वो अंदरूनी वास्तविकता को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। एग्जाम्पल है मिसेस डालोवे बाय वर्जीनिया वुल्फ एंड द साउंड एंड द फ्यूरी बाय विलियम फॉल्कनर। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ नॉवल है रीजनल नॉवल। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा आपको कि ये एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बताता है, उससे रिलेटेड कल्चर्स के बारे में बताता है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बताता है ये नॉवल। फर्स्ट पॉइंट है, द रीजनल नॉवल इज़ अ जेनर ऑफ फिक्शन दैट सेट इन अ रिकॉग्नाइजेबल रीजन। मतलब इस टाइप का जो नॉवल होता है वो एक क्षेत्र विशेष में सेट किया जाता है ताकि उसको अच्छी तरीके से पहचाना जा सके, उस क्षेत्र विशेष के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, इट डिस्क्राइब्स फीचर्स डिस्टिंग्विशेस द लाइफ, सोशल रिलेशंस, कस्टम्स, लैंग्वेज, डायलैक्ट और अदर एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द एरिया एंड इट्स पीपल। मतलब इस टाइप के जो नॉवल होते हैं उसमें क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग, उनके जीवन, उनके सामाजिक संबंधों, रीति रिवाजों, भाषा, बोली या उनकी संस्कृति को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं और इस नॉवल में इन्हीं सब चीज़ों का वर्णन होता है। थर्ड पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट फोकसेज ऑन अ रीजन। मतलब कि ये पर्टिकुलर एरिया पर ही फोकस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट गिव्स द रीडर स्पेशल इंसाइट इनटू द ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल डिटेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर इमेजिनेटिव प्लेस। और ये रियल भी हो सकता है। मतलब अगर आप इस टाइप के नॉवल को पढ़ेंगे तो उस नॉवल में जिस एरिया के बारे में वर्णन किया गया है उसके बारे में आप सब कुछ जानकारी प्राप्त कर लेंगे, जैसे कि उसकी भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक विवरण और उसके बारे में जितनी भी जानकारी है आप उस सब चीज़ों को प्राप्त कर सकेंगे इस टाइप के नॉवल को पढ़ेंगे। और वो जो प्लेस है वो रियल भी हो सकता है, असलियत में भी हो सकता है और इमेजिनरी यानी काल्पनिक भी हो सकता है। एग्जांपल आपने देखा होगा मालगुडी डेज बाय आर के नारायण, और इसके ऊपर एपिसोड्स भी बने हुए हैं, आप सर्च कर सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड्स है आर के नारायण की मालगुडी डेज, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। एंड एक और एग्जाम्पल है इसका कंथापुरा बाय राजा राव, और कंथापुरा एक बहुत ही ज़्यादा फेमस रीजनल नॉवल है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे भी। तो ये थी आज की वीडियो फॉर्म्स ऑफ नॉवल्स के बारे में। आई होप इस वीडियो ने आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा रिलेटेड टू फॉर्म्स ऑफ नॉवल्स, और आपने उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल महादेवा द पिलर ऑफ सक्सेस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।